डैडी कहाँ पे? दादाजी को इमरजेंसी में एडमिट करके नेबुलाइजर लगा दिया हुआ है। हेलो ओएमजी फैमिली, स्वागत है आपका ओएमजी ब्लॉग्स के एक और नए ब्लॉग में। तो जी आज हम उठ चुके हैं, बहुत ज्यादा जल्दी सुबह सुबह जाने लगे हैं जिम। और जैसे कि आपको पता है कि कल के दिन मेरा जो मोबाइल है वो गया था, टूट खराब हो गया था। तो ठीक करवाने के बाद कुछ इस तरीके से भैया ने मुझे दे दिया था, बोला था कल सुबह इसकी ये सारी रबर बैंड जो है वो उतार देना। तो अभी टाइम आ गया इनकी रबड़े उतारने का, और उसके बाद होते हैं तैयार, निकलते हैं टुवर्ड्स जिम। अभी तक इसका घर ठीक नहीं है। वर्कआउट का वार्म अप करके आ चुका हूँ मैं घर। असली वर्कआउट घर पे होने वाला है, क्योंकि माताजी ने बैग्स जो है ना तैयार करके रख दिए हुए हैं और कह रहे हैं जी उनको रखो ऊपर सर्दियों वाले कपड़ों के। रेडी हो मम्मा बैग ऊपर रखने के लिए? मम्मा को तुमसे पूछे थे, तुम रेडी हो? हाँ मैं रेडी हूँ। इस शैतान को पता नहीं क्या चस्के चढ़े होते हैं सुबह सुबह, कभी टिक जाया कर, रोज इधर ही होते है। हाँ फ्लैश ज्यादा एक्साइट हो गया। बुक्ति ये जंप कैसे करता है इसको सब दिखाना। हाँ पूरे हद करता है, पूरा एक्साइट हो जाता है, इसको पता चल जाता है इसकी तारीफ हो रही है ना नवाब, इंटेलिजेंट बॉय है। तो जी एक बैग सबसे जो भारी था वो हम रख चुके हैं, अब ये थोड़े से हल्के बैग, वो वाला बैग दे, ये तो बड़ा है। तो जी इतने सारे बैग जो है रख दिए हुए हैं, अभी भी 1 2 3 पड़े हुए हैं। तुझे रख दूंगा ऊपर, ओए नवाब जाना ऊपर। तो जी फाइनली जाके वर्कआउट हो चुका है, डन डना डन डन। और आज घर में भाई साहब खुशबू हुई हुई है। सुबह सुबह मम्मा ने ना डाल दिया शलगम का अचार, भाई चेकआउट करो। ओए होए होए एंड गल बात कर दी है, खुशबू से ही पता लग रहा है कितना बढ़िया है इसका, तो रंग ही बदल गया। हाँ। और जी इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद ना मेरा मन कर गया खाने का कुछ बहुत ही ज्यादा बढ़िया सा एंड गल बात वाला, जिसके लिए घर पे पदार्थ वगैरह नहीं है। तो अभी चलते हैं बाजार, कुछ लेके आते हैं और फिर बनाते हैं घर में ब्रेकफास्ट। वैसे बर्गर ही बनाऊंगा मैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इजी चीज वही है। मैं सारा का सारा लेके आ चुका हूँ, और इन द मीन टाइम हमारी प्यारी सी स्वीट सी माता जी ने सब्जियां जो है वो काट दी हुई है, और अभी बना रहे हैं ऑमलेट। मम्मा मैं पता क्या सोच रहा हूँ, बर्गर खाऊंगा हाई प्रोटीन वाला, एक ऑमलेट मेरे लिए भी कर दो तैयार। तो जी हमारा सुपर डुपर हेल्दी जंबो बर्गर हो चुका है रेडी, इसे खाते हैं और उसके बाद होते हैं तैयार और निकलते हैं टुवर्ड्स स्टूडियो। अभी ना सीन थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका हुआ है, सीन गलत हो गया है। एक्चुअली दादाजी को आया अस्थमा अटैक, तो जल्दी जल्दी में सारे डैडी को फोर्टिस हॉस्पिटल लेके गए हैं, मैं दूसरी गाड़ी में जा रहा हूँ। मतलब चीज इतनी ज्यादा सीरियस नहीं है, पर दादाजी की एज ज्यादा है तो डर थोड़ा ज्यादा लगता है। डैडी कहाँ पे? दादाजी को इमरजेंसी में एडमिट करके नेबुलाइजर लगा दिया हुआ है, ऑक्सीजन लगा दी हुई है, जिससे आई थिंक फर्क जो है पड़ जाना चाहिए। और दादाजी का ना शुरू से ही फोर्टिस हॉस्पिटल में इलाज वगैरह हो रहा है, तो उनकी फाइल वगैरह बनी हुई है जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। डॉक्टर कह रहे हैं एक बारी वो फाइल ले आओ, जिसकी वजह से मैं आया घर लेने के लिए वो फाइल। मम्मा ये लो, ये दे दो। फोर्टिस के डॉक्टरों ने ना पूरा पैनिक वाला सीन बना दिया हुआ है, पूरी भाग दौड़ जो है वो हमारी लगा दी हुई है। अभी कह रहे हैं कि दादाजी का जो ECHS कार्ड है, ये एक्चुअली डिफेंस वालों का कार्ड होता है, जिससे उनकी मेडिकल सुविधाएं किसी भी हॉस्पिटल में वो जाते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। वो कह रहे हैं ये चलेगा नहीं, एक्सपायर हो चुका हुआ है, वैलिड नहीं है। सो कोई आइडिया नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी हम जा रहे हैं उसको रिन्यू करवाने, सच्ची बोलो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे अकॉर्डिंग चीज नॉर्मल थी, खांसी आ रही थी, सांस लेने में दिक्कत थी, अस्थमा वगैरह, बट इधर आके ये समझाते ही नहीं है, पैनिक ज्यादा क्रिएट कर देते हैं। तो जी सुबह से भाग दौड़ करते करते अब शाम को जाके चीजें जो है थोड़ी सी जाके स्टेबलाइज हुई है, और मैं व्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और हफरा दफरी में ना आज थोड़ी सी हमारी गाड़ी बस के साथ ठोक गई, माइनर सही हुआ है, बट बहुत ज्यादा मुश्किल होता है जब आप एक पैनिक सिचुएशन में हो और भाग दौड़ भी करनी पड़े। एंड अभी घर वालों ने कुछ नहीं खाया है, तो उनके लिए कुछ खाना वगैरह पैक करवाते हैं। भैया राजमा चावल हो जाएंगे ना, 2 हाफ पैक कर देना। तूने भी कुछ नहीं खाया, तू क्या खाएगी? नहीं मैं वो पापा लेके आए थे मेरे घर पे, ओट्स बने, मैं ब्रेकफास्ट भी खाना भूल गई थी, तो मैंने वो खा लिया। पक्का? हाँ, कुछ खा ले, न्यूट्री खा ले। मैं शेयर कर लूंगी, मैं अलग से नहीं लेना, शेयर कर लूंगी। पापा राजमा चावल, ठीक
तो गाइस कल के दिन मूड वगैरह ठीक नहीं था, जिसकी वजह से मैंने ब्लॉग आके नहीं बनाया। एंड अभी बस तैयार होके जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि दादाजी जो है वो आईसीयू में एडमिट है। मतलब कुछ ज्यादा सीरियस है नहीं है, एक एज ज्यादा है, तो डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था कि उनको एडमिट कर लो 2-3 दिन के लिए, कि उन्होंने ऑब्जर्व करना है कि उनकी ऑक्सीजन जो है वो लो क्यों थी। जो मेन रीजन था जिसकी वजह से हम उनको लेके गए थे कि सांस नहीं आ रही थी और खांसी लगी हुई थी, वहां पे जाके पता लगा कि ऑक्सीजन कम है, जिसकी वजह से अभी आईसीयू में है। तो अभी चलते हैं और देखते हैं, दादाजी से मिलने देंगे तो उनका हाल चाल पूछेंगे। एंड अभी ना हॉस्पिटल के विजिटिंग आवर्स हैं, तो चलते हैं दादाजी से मिलते हैं और देखते हैं अगर उन्होंने वीडियो बनाने को अलाउ किया तो उनका हाल चाल उनकी जबानी आप तक पहुंचाएंगे। हाय डैडी, कैसे हो? ठीक हो? एक जाना ही अलाउड सीगा मिलन ली, फिर मैं आई। और रात ठीक सीगे? किसी चीज का लगते नहीं रहा, मतलब पहले नालों बेटर फील हो रहा है? अच्छा, और किसी चीज की लोड है इत्थे? मेडिसिंस कदों आए? स्पेक्स लेके आए, ए थोड़े दिन हुए उदो आया सी। एक्चुअली हॉस्पिटल में ना सिर्फ एक बंदे को अलाउड है जाके दादाजी से मिलना, तो मम्मा हमारी बहुत स्मार्ट है, मम्मा चले गए हुए हैं और वहाँ से वीडियो कॉल कर रहे हैं कि आप भी मिल लो भाई। स्मार्ट मम्मा, वेरी स्मार्ट। और डैडी ठीक हो? हूँ ना, न्यूज पेपर मिला है। हाँ जी डैडी, सत श्री अकाल, ठीक हो आप? की कह रहे कल तक? कह रहे कल तक डिस्चार्ज है। अच्छा चलो, गुड गुड। हेलो, गेट वेल सून हो जाओ, तुम्हारे बिना घर खाली खाली है, कोई है ही नहीं राउंड का लाने वास्ते। तो गाइस डैडी के साथ बात करके एक चीज की तसल्ली हो चुकी हुई है, दैट ही इज डूइंग वेल, सारे टेस्ट वगैरह जो हो चुके हुए हैं वो नॉर्मल आए हैं, तसल्ली है। अभी भी इनको 1-2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि ऑक्सीजन कम क्यों थी। और गाइस आप एक बार कमेंट करके बोल देना गेट वेल सून। हाँ, आप सबकी विशेस बहुत काम करती है। आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं खत्म। आई होप यू लाइक द वीडियो। वैसे आई डोंट नो वीडियो में लाइक करने वाला क्या था, बट इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट। मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में। अभी बैठेंगे हॉस्पिटल में, कुछ करने के लिए नहीं है, बस वे करेंगे डैडी जल्दी से डिस्चार्ज हो जाए।